नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सैनी, प्रिंसीपल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। अज मैं तुहाडे नाल जिहड़ी पेंडेमिक कोविड शुरू होया है ये रिगार्डिंग तुहाडे नाल गल करना जा रहा। तो सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा वह है साडे एल्डरली पीपल्स, साडे वड्डे बजुर्ग, साडी वो सब तो ज़्यादा वो इस फेज में सब तो ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। तो उनको क्या चाहिए कि वो अपना ध्यान कैसे रखें? उन्होंने अपना ध्यान कैसे रखना है, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि वो सबसे पहले तो स्टे होम, घर में रहें। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है, सभी सरकारें भी यही कह रही हैं, घर पे रहें, सेफ रहें। तो घर पे बुजुर्ग जो हमारे हैं वो किस तरह की कसरत कर सकते हैं? घर में उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपना शॉर्ट ब्रेक्स लें, टीवी देखते हुए देखते जब उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है उठ के चलें फिरें, बाहर जाएं, धूप में बैठें और फिर वापस आ जाएं, और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें। और बुजुर्गों के लिए एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर में कोई रग्स, कोई ऐसा फ्लोर पर भी इस तरह का कपड़ा ना बिछाओ जो उनके पैरों में फंस से उनके गिर जाएँ और चोट लग जाए। क्योंकि एल्डरली में ये बहुत देखा गया है कि घर पर रहने से उनकी इमोशन सेटबैक लगा है, वो परेशान हुए हैं, कईयों का रोज़गार चला गया है, कईयों के बच्चों का रोज़गार चला गया है, बुजुर्ग बहुत परेशान हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके इमोशन सेंटीमेंट्स को हमने कैसे कैटर करना है। तो उसके लिए कि हमें उनका ध्यान भी रखना है, उनको बताना भी है, और जो इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है 130 मिनट्स पर वीक के हिसाब से उनको एक्सरसाइज करनी है। मतलब हफ्ते में उनको इतने मिनट एक्सरसाइज पे, 130 मिनट्स उनको एक्सरसाइज पे स्पेंड करने होंगे, तभी वो अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा, मेरे पास बहुत से बुजुर्ग आते हैं इस बीमारी के दौरान, जो पेंडेमिक है, जो अभी भगवान ने भी पता नहीं कब तक जाएगी और रहेगी, मेरे से पूछते हैं कि सर ये बताएं कि घर पे हमने जो रहना है तो ट्रेडमिल करें कि साइकिलिंग करें? तो मेरा सुझाव उनको ये है कि ट्रेडमिल अपनी जगह पे सही है, साइकिलिंग अपनी जगह पे सही है, पर देखना हमने ये है कि हमारे अगर किसी जॉइंट में एक है या पेन है तो ट्रेडमिल को हम अवॉइड कर सकते हैं। पर अदरवाइज हम देखें तो ट्रेडमिल पे जैसे हम बाहर वॉक करते हैं, हम ट्रेडमिल पे घर पे वॉक कर सकते हैं, पर उसका जो पेस रहेगा, स्पीड रहेगी, वो बड़ी ध्यान से होनी चाहिए। दूसरा जो मेरे से पूछते हैं साइकिलिंग के बारे में, साइकिलिंग इज अ बहुत इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डूइंग साइकिलिंग एट होम। सो साइकिलिंग करने से जो आपके एक बंदे के जो मसल हैं जिनको हम एंटी ग्रेविटी मसल्स बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के मसल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, वो मसल है क्वाड्रिसेप्स मसल। तो मोस्टली जो बुजुर्ग होते हैं उनके क्वाड्रिसेप्स मसल वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको जनरलाइज्ड चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है, जिसको हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं, वो मसल वीक हो जाते हैं। उसके लिए उनको चाहिए कि वो साइकिलिंग करें, पर ये भी साइकिलिंग भी उनको बड़े ध्यान से और समझदारी से करनी चाहिए। उसके बाद मेरे से कई बार बुजुर्ग पूछते हैं या दूसरे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि मसाज अच्छी है कि नहीं अच्छी? तो मेरा सुझाव है मसाज जो है बहुत ही बढ़िया है। मसाज का जो मेन एक कंपोनेंट रहता है वो रहता है खून के दौरे को बढ़ाना। तो मसाज करनी चाहिए दिन में दो बार, मैं कहता हूँ दिन में दो बार मसाज करनी चाहिए। मसाज का जो पैटर्न है वो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी जो मसाज वाले हैं, जो कुछ भी रहते हैं, जो बताने वाले होते हैं, उनसे समझ लें कि किस दिशा में मसाज करनी है। अपने आप मसाज नहीं करनी, दिशा निर्देश से अकॉर्डिंग ही मसाज करने, क्योंकि मसल के फाइबर का जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ही मसाज करने का बेनिफिट रहेगा, ताकि जो खून का दौरा है वो बढ़ सके। इसमें ये बहुत अच्छा काम निभाती है। एक रहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये बहुत कॉमन देखा गया है एल्डरली में, स्पेशली यंगर्स में भी देखा गया है, जो टेक्निकल काम करते हैं या कंप्यूटर पर बैठते हैं उनमें भी देखा गया है। तो उनके लिए यह है कि फ्रीक्वेंटली नेक एक्सरसाइज करते रहें, फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेते रहें, हल्की फुल्की जो शोल्डर के मसल हैं, हल्का फुल्का ऐसे बैठ के कंधे को ऊपर करना, नीचे करना, थोड़ा ऐसे अपने को छाती को खोलना, ये करते रहें, और हल्की फुल्की जो गर्दन है हमारी उसको हल्का फुल्का मूवमेंट करते रहें। पर इसके साथ मेरा एक ये आपको सलाह भी है, एडवाइस भी है कि कोई भी मूवमेंट एक साथ एक पैटर्न में मत करें। पहले 5 बार एक मूवमेंट कर लें, फिर 5 बार दूसरी मूवमेंट कर लें, बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स देते रहें, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली नेक ब्रेक। वो बहुत लाभदायक रहेगी आप लोगों के लिए अगर आप उसको एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते रहें, तो जिससे आपका जो नेक के मसल्स भी स्ट्रांग रहें और आपके जो है शोल्डर मसल्स भी स्ट्रांग रहें।
अगला है वो जो जिसको हम बोलते हैं कमर। कमर सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा हिस्सा इन दिनों में, स्पेशली जब लॉकडाउन शुरू हुआ उन दिनों में बहुत सारे हमें फ़ोन भी आए, अपने दोस्तों को भी आए और बहुत सारे बुजुर्गों को भी आए कि जो कमर की दर्द शुरू होगी उसका कारण एक ही था कि हम सारा दिन सारा लोग घर पे लेटे रहे, टीवी देखते रहे। और दूसरा इसका जो बैक है, इसका बैक का जो अटैचमेंट है वो इमोशंस के साथ बहुत है। जब हमारा माइंड अच्छा नहीं है हम सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, गलत पोजीशन में लेटे रहते हैं, उससे हमारी जो कमर में दर्द शुरू होती है। उसके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप हल्की फुल्की एब्डोमिनल जिसको हम पेट के मसल बोलते हैं उसकी कसरत करते रहें, आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी बैक एब्डोमिनल्स कर लें, हल्का फुल्का ट्रंक रोटेशन कर लें, नी टू चेस्ट कर लें, अपनी तरफ छाती के छाती दोनों घुटनों को मोड़ के छाती की तरफ खींच लें, छोड़ दें बड़े आराम से, और हल्का फुल्का स्ट्रेट लेग रेज जिसको हम बोलते हैं अपनी टांग सीधी करना वो कर लें, और हल्के हाथ से मसाज कमर के ऊपर कर लें। बाकी रहती है पोजीशन, आप अगर आपको लगता है कि आप लेटे लेटे आपकी कमर में दर्द हो रही है तो आप साइड लेके लेट सकते हो, अगर लगता है कुछ और बढ़ रहा है तो आप अपना टांगों के नीचे पिलो रख लो या दीवान वाला गोल पिलो रख लो, उससे आपको बड़ा आराम मिलेगा और उल्टे लेट के भी आराम मिल सकता है। पर फिर भी मेरी यही आपसे सलाह है कि चाहे आप नहीं किसी सेंटर पर विजिट कर सकते, किसी डॉक्टर के पास नहीं विजिट कर सकते, तो एक बार उनसे फोन पे जरूर एडवाइस लीजिए और वो आपको हेल्प करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमने अपने आप को, अपनी स्पिरिट को कैसे हाई रखना है। तो एक तो ये है कि मेरा मानना है कि एक तो आप अच्छे घर पे रहते हैं, अच्छे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अच्छी पेरेंटिंग कीजिए, प्लस अगर आपका टेस्ट जिस चीज़ में है, ये देखिए मैं पेंडेमिक को थोड़ा डिफरेंट नज़रिए से देखता हूँ, ये भगवान ने हमें एक सबक भी सिखाया और ये भी बताया कि हम अपनी फैमिली को जिसको भूल चुके थे, हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कम किया था उसके साथ हमने टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, अब हमें पता लगा कि ये तो हम अब तो असली ज़िंदगी तो हम अभी जी हैं, तो उनके साथ हम अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे बात करें। अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो आप पेंटिंग करें, अगर आपका इंटरेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप कुकिंग कर सकते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करने को मिल रहा तो आप अपने घर को क्लीन करें, तो जिससे आप अपना मोटिवेटेड रहेंगे और जो आपका ध्यान है अननेसेसरी थिंग्स के ऊपर नहीं जाएगा, जिससे आप अपने आप को स्पिरिट हाई रख सकते हैं। और एट द एंड मैं यही रहूंगा कि कीप योर सेल्फ मोर डिवोटेड टू वर्ड गॉड, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।